हे दोस्तों, MI A1 डिवाइस पे एंड्रॉयड 5 का ट्रेंड चल रहा है। जहाँ पे देखो दोस्तों, MI A1 डिवाइस पे एंड्रॉयड 5 कब आएगा, किस तरह से इंस्टॉल कर पाएंगे दोस्तों, इसके लिए बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा, ठीक है। पर दोस्तों ये किसी ने नहीं बताया, अगर आप एंड्रॉयड 5 अपडेट कर लेते हो तो आपका तो गया सेट। मतलब गया का मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आपका फ़ोन को आप रिवर्ट बैक 8.1 पे नहीं कर सकते, तरह तरह की प्रॉब्लम पे बॉक्स पे भरा हुआ है। जैसे करके मान लीजिए आपका जो सिम है डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, IMEI नंबर लॉस्ट हो जाएगा, फिंगरप्रिंट सही तरह से काम नहीं कर पाएगा, और दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होता है आपका फोन जो है बूट लूप पे चला जाएगा। बूट लूप का मतलब क्या होता है कि आपका डिवाइस जो बंद हो जाएगा उसके बाद ऑन ही नहीं होगा, या फिर बार बार रिबूट होते रहेगा, रिबूट होते रहेगा। ये दोस्तों अजीब सा प्रॉब्लम है, और दोस्तों ये प्रॉब्लम मैं खुद में फेस कर चुका हूँ और बहुत सारे यूजरों का। बेसिकली मैं दोस्तों मैंने भी वीडियो बना के रखा हूँ किस तरह से VPN मेथड के द्वारा आप Android 1 डिवाइस को MI A1 डिवाइस को पाई पे अपडेट कर सकते हैं 8.1 नवंबर सिक्योरिटी पैच के अपडेट के बाद, जो नेदरलैंड वाला अपडेट था, और TWRP के द्वारा किस तरह से फ्लैश करते हैं पाई अपडेट, और फास्ट बूट मेथड के द्वारा, बेसिकली दो तीन मेथड थे। तो ये तीनों मेथड तो मैं आप लोगों को, अगर एडवांस यूजर है तो तभी ठीक है, अगर आप एडवांस यूजर नहीं है तो आपका सेट गया दोस्तों, गया मतलब तो ऑन ही नहीं होगा, पूरा गया। तो अगर टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं बहुत जितना सारा MI A1 का वीडियो बना चुका हूँ सभी में दोस्तों जाके हम लोगों ने आपका जो प्रॉब्लम है आप लोगों ने कमेंट किया है कि वहाँ पे जो आपका सेट जो बंद हो चुका है, मैं आप लोगों को एक बार दिखा देना चाहता हूँ। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को यही दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं मैंने जो सक्सेसफुली मेरा जो डिवाइस है 8.1 नवंबर सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट कर लिया हूँ। तो देख सकते हैं एंड्रॉयड 8.1 यहाँ पे ओरियो का सिंबल आप देख पा रहे हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरा जो डिवाइस है अभी कोई भी रूट बूट नहीं है, मतलब मैं जो है ऑफिशियली जो पाई अपडेट आएगा उसके लिए मैं रेडी हूँ। पर अगर आप पाई अपडेट कर चुके हैं तो आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं हूँ आपका डिवाइस को जिंदा करने के लिए, मतलब ऑन करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, मैं बहुत ही आसान तरीके से दिखा दूंगा किस तरह से आप जो एंड्रॉयड पाई से एंड्रॉयड ओरियो 8.1 पे रिवर्ट बैक कर सकते हैं विदाउट एनी इशू से। विदाउट एनी इशू का मतलब क्या है, जिन दोस्तों ने ऑलरेडी कर चुका है उनको पता है उनका सेट जो है ऑन हो रहा है, या फिर ऑन हो चुका है तो उसका नेटवर्क चला गया, IMEI नंबर लॉस्ट हो गया, या फिर फिंगरप्रिंट सही तरह से काम नहीं कर रहा, या फिर सेट बंद हो गया, इस तरह का जितना सारा परेशानी है, तो इसके लिए मैं आज इस वीडियो बना रहा हूं। बहुत ही सिंपल से मेथड से मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों किस तरह से आपका MI1 डिवाइस को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारा मेहनत करके मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं। अगर आप YouTube पे अभी ढूंढने जाए इस टाइम पे आज की डेट पे तो ऐसा रिवर्ट बैक का ऑप्शन आपको बहुत सारा मिल जाएगा, पर पाई से कैसे ओरियो पे रिवर्ट बैक कर पाएंगे विदाउट एनी इशू से आप जाके अभी चेक कर लीजिए, मेरे सिवा कोई भी आपको वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है, इस टाइम पे मैं बता रहा हूं। तो जाके चेक कर ली, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मैंने खुद फेस कर चुका हूँ और मैंने जो बहुत सारी परेशानी झेल पाया, तो इसलिए मैं आप लोगों को लिए बहुत सारे यूजर को जो कमेंट रहे थे तो उनके बेसिस से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चैनल को दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को लाइक कर देना इस तरह का टिप्स ट्रिक्स पाने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कहीं पर भी कोई भी स्किप कोई भी स्टेप का अगर स्किप किएंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, अगर आपका सेट बंद भी नहीं हुआ है तो आपको ये चीज जान लेना, ये जो प्रोसीड्योर से मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ये प्रोसीड्योर आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि कहीं भी कोई भी टाइम अगर प्रॉब्लम में पड़ जाए तो ये मेथड को आप फॉलो करके अब रख सकते, जानकारी हो जाए तो और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको दिखा देता हूँ किस तरह से प्रोसेस आप कर पाएंगे। तो चलिए इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ विदाउट एनी इशू किस तरह से आप MI A1 डिवाइस को फिर से ऑन कर सकते हैं। जैसे करके देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता चाहता हूँ, मैं जो अभी जो करंट वर्जन पे हूँ एंड्रॉयड 5 पे हूँ, और उससे इसी वीडियो में लाइव करके दिखाऊंगा किस तरह से मैं एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पे रिवर्ट बैक किया हूँ कोई भी विदाउट एनी इशू से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गए कहीं पे भी कोई भी स्टेप मिस किए तो आप कहीं भी किसी भी टेप की तरह आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना चाहिए। और देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन 9 5 दिसंबर सिक्योरिटी पैच हमको जो है स्टॉक एंड्रॉयड जो निदानलन वाला अपडेट है वो हम लोगों ने कर लिया हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले आपको बिल नंबर पर जाना पड़ेगा, और बिल नंबर पे 4 to 5 times टैप कीजिए तो डेवलपर वर्जन ऑन हो जाएगा। उसके बाद डेवलपर वर्जन पे जाएंगे और जो प्रोसेस में फॉलो कर रहे हो वैसे ही कीजिए तो आपको सही तरह से हो जाएगा। यहाँ पे वही में अनलॉक को टिक करना पड़ेगा, देखिए ऑलरेडी मेरा बुटलोडर अनलॉक है, अगर नहीं है तो उसका भी मैं कमांड बता दूंगा किस तरह से ऑन कर पाएंगे। उसके बाद आप PC के साथ इसको केबल के द्वारा USB Type-C केबल के द्वारा कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद USB डिबगिंग को कनेक्ट करते वक्त यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, और उसके बाद जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ वैसे ही कीजिए। तो सिंपल फ़ोन को पावर ऑफ कर दीजिए, तो मैं सॉरी दोस्तों लाइव करके दिखाना हो एंड्रॉयड पाई से किस तरह से ओरियो पे आते हैं। और
बूट लोडर मोड पे, फास्ट बूट मोड पे लेके जाना पड़ेगा वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करके, और एट ए टाइम ये जो यूएसबी टाइप सी है इसको कॉर्ड को कनेक्ट कर करके, उसके बाद पीसी पे जाता हूँ और एक फोल्डर बना के रखा हूँ MIA1 ब्रिक करके। तो इस फोल्डर के अंदर सारी जो फाइल नेसेसरी फाइल मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दे दूंगा, तो वो आपके जाके मिल जाएगा। और देखिए TWRP7.J करके कुछ फाइल है, तो इसके अंदर अंदर बेसिकली मेरा जो बूट और EFS फाइल है तो वो है, EMI वगैरह आपका नहीं चला जाए इसलिए। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो EMI फ्लैश टूल है ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ADB सेटअप जो आपको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल लेना पड़ेगा, और ADB टाइप को और विंडोज 7 जो जीप फाइल है तो ये वाला बेसिकली लगेगा। ये सारी चीज़ को आप एक्स्ट्रा करके आपका जो विंडो का जो सी ड्राइव है वहाँ पे रख दीजिए। तो सबसे पहले मैं इसको एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो नहीं कर रहा हूँ। तो ADB ड्राइव को एक्स्ट्रा करके सी ड्राइव पर रखिए, उसके बाद MI फ्लैश टूल को एक्स्ट्रा करके आप सी ड्राइव पर रख लीजिए, और उसके बाद और कुछ चीज़ नहीं लगेगा दोस्तों। सिंपल लोकल डिस्क पर जाते ही वहाँ पर देखिए ADB फोल्डर जहाँ पर आप एक्स्ट्रा किए थे तो यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और फिर से डबल क्लिक करता हूँ, ये वाला नहीं दोस्तों, इसके अंदर ADB के अंदर इस तरह से फाइल मिलेगा, तो यहीं पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि जो MI फ्लैश टूल जहाँ पे एक्स्ट्रा किए थे सी ड्राइव के अंदर, तो ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, और सामने MI फ्लैश का जो EXE फाइल है इसको बेसिकली ओपन करके नीचे पे पिन करके रख दीजिए ये वाला EXE फाइल को, ताकि तुरंत आपको मिल जाए। और उसके बाद और एक चीज़ करना पड़ेगा कि जो हम लोगों का रोम है नवंबर सिक्योरिटी पैच का, तो वो वाला रोम ये वाला टीस्टो इमेज का ये वाला फूल को एक्स्ट्रा करके आप लोगों का जो सी ड्राइव है वहाँ पे रख दीजिए। ये तीनों चीज़ बेसिकली लगेगा, और जो यहाँ पे मैंने करके रखा यहाँ का कई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं सी ड्राइव पर एक्स्ट्रा कर चुका हूँ, और फिर से आप लोग एक बार एक्स्ट्रा कर दीजिए तो यहाँ पर इमेज करके जो फाइल बन जाएगा यहाँ पर है, तो इसके कहीं पर छेड़खाने मत कीजिए, जो ऐसे है रहने दीजिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लीजिए जो आप लोगों का रोम वाला फाइल है, उसके बाद जो MI फ्लैश टूल है इसको यस करके रन कर दीजिए, और सिंपल लोकल डिस्क सी पे जाते हैं जहाँ पे रोम वाला फोल्डर है वहाँ पे जाइए, और फिर से यहाँ पे ओपन कीजिए और यहीं के ऊपर को क्लिक कीजिए। देखिए मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, गौर से फॉलो कीजिए, नहीं तो वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप गौर से पहले से भी देख सकते हैं। वहाँ पे कॉपी एड्रेस है, कॉपी टेक्स्ट है, कॉपी एड्रेस पर जाइए, ठीक है। उसके बाद एड्रेस को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जाके MI फ्लैश टूल पर पेस्ट कर दीजिए सेम वाला एड्रेस। उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट करके रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए मेरा फ़ोन कनेक्टेड है, सॉरी दोस्तों। उसके बाद रिफ्रेश कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नंबर दोस्तों आ जाएगा रैंडमली नंबर, ताकि आपका जो प्रॉपर तरीके से ADB ड्राइव कनेक्टेड है, तो ADB ड्राइव प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है कि नहीं तो ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लीन ऑल पे कीजिए दोस्तों, सेव यूजर डाटा क्लीन ऑल एंड लॉक है, तो क्लीन ऑल का मतलब है कि आपका बुटलोडर अनलॉक रहेगा, ताकि नेक्स्ट प्रोसेस आप कर पाएंगे। उसके बाद रिफ्रेश में क्लिक करके फ्लैश कर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कीजिए तो आपको 100% होगा, और कुछ ही टाइम को दोस्तों फ्लैश हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सक्सेसफुली फ्लैश हो गया। अब देखिए दोस्तों फ्लैश तो हो गया 8.1 रोम, पर दोस्तों ये ऑन ही नहीं होगा, रिबूट बार बार होते रहेंगे, यही दोस्तों आप लोगों का प्रॉब्लम होता है, तो इसका सोल्यूशन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। देखिए मेरा फ़ोन जो है ऑन ही नहीं होगा, फ्लैश तो सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि फिर से वॉल्यूम डाउन पावर बटन को प्रेस करके फास्ट बूट मोड पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं जा रहा हूँ तो वैसे करके फास्ट बूट मोड पे लेके आ जाइए। उसके बाद जो प्रोसेस है गौर से फॉलो कीजिए, ये वाला जैसे है उसको मिनिमाइज करके रख दीजिए, और फिर से सी ड्राइव फोल्डर के अंदर जाइए। उसके बाद ADP पे जाइए, ADP का फोल्डर जो हम लोगों ने था उसको डबल क्लिक करके जाइए, और कमांड प्रॉम्प्ट जो विंडो है इसका डबल क्लिक कीजिए, तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अंदर कुछ कमांड आपको प्रेस करना पड़ेगा, जैसे करके फास्ट बूट डिवाइसेस इसको प्रेस करके एंटर कर दीजिए, ताकि आपका डिवाइस जो है ADB ड्राइव प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल है, तो इस तरह का कुछ नंबर रैंडमली नंबर शो होगा। और जो ग्रीन कलर करके जो एंड्रॉयड बानी था वही दोस्तों ADB ड्राइव था, उसको नॉर्मल तरीके से EXE को रन कर दीजिए, तो ADB ड्राइव प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो कमांड है फास्ट बूट बूट, और उसके बाद ये रिकवरी फाइल को ड्रैग डाउन कर दीजिए, यहाँ पे बेसिकली TWRP का फाइल है, तो करने के बाद एंटर कर दीजिए, तो डाउनलोडिंग बूट इमेज इस तरह से फिनिश हो गया। उसके बाद फोन पे चलते देखिए, तुरंत फास्ट बूट से हम लोग का TWRP मोड पे आ जाएगा, ये देखिए कुछ आ गया है। और यहाँ पे दोस्तों कैंसिल कर दीजिए पासवर्ड मांग रहा है तो, और यहाँ पे स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ऐसे करेंगे तो आपका इंटरनल स्टोरेज और माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा फोन का, और आपका इंटरनल स्टोरेज पे क्या करना पड़ेगा कि मैं और एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसी दौरान के आपका फ़ोन पे कोई भी माइक्रो SD कार्ड रहना चाहिए, नहीं तो दोस्तों नहीं होगा। उसके बाद जो TWRP का जो जिप फाइल को आप एक्स्ट्रा किए थे वहाँ पे दोस्तों एक डेट टाइम का एक फोल्डर मिल जाएगा, उस डेट टाइम फोल्डर को यहीं से कॉपी करके गौर से ध्यान दीजिए, MI1 ब्रिक जो फोल्डर बना के रखा हूँ वहाँ पर TWRP का जिप फाइल है, तो वहाँ से वो जो फाइल है उसको कॉपी कर लीजिए एक्स्ट्रा करने के बाद जो फाइल बना है, और आपका फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज पर जाके जो TWRP फाइल है उसके अंदर जाके ये वाला डेट टाइम का जो फाइल है
तो वो सिर्फ वही को मतलब कॉपी कीजिए, उससे आगे जो है उसको कॉपी मत कीजिए दोस्तों, उसके बाद इंटरनल स्टोरेज पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोगों का कंप्यूटर का काम होगा। उसके बाद फिर से हम फोन पे आते हैं और यहाँ पे रिस्टोर पे जाएंगे। अगर अब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर से वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे बूट EFS टिक करके स्वाइप टू अलाउ कर दीजिए और ये वाला फ्लैश हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। वीडियो को फिर से बोल रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करना, और उसके बाद रिबूट कर दीजिए। रिबूट करने के बाद रिबूट टू बूटलोडर कीजिए दोस्तों, सिस्टम पे नहीं, ठीक है। तो बूटलोडर मोड पे फिर से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर से जो हमारा फ्लैश टूल है तो वहाँ पे जाइए और यहाँ पे रिफ्रेश करके फिर से वही वाला नवंबर सिक्योरिटी पैच का जो रोम है, तो ये इस बार आप क्या कीजिए कि क्लीन ऑल एंड लॉक कर दीजिए, ताकि आपका जो बूट लोडर है अनलॉक हो जाए, और फ्लैश कर दीजिए आपका जो बूट लोडर है अनलॉक हो जाए, और आपका जो है जो कोई ऑफिशियल अपडेट आए तो आ जाए, आपका सिर्फ नॉर्मल तरीके से अनरूट हो जाएगा, बूट लोडर भी अनलॉक हो जाएगा। देखिए हम लोग का जो फोन जो है ऑन हो रहा है, और ये दोस्तों 8.1 पे ऑन हो जाएगा। मैं आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में दिखाया था जो 9.05 बेसिस पे था, और मैंने कैसे सक्सेसफुली 8.1 पे आया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रोसेस के द्वारा आपका सारा जो डेटा है डिलीट हो जाएगा दोस्तों, पर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इरेजिंग इनक्रिप्टेशन बोल रहा है, तो आपका सारा डेटा दोस्तों डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, देखिए ऑन हो गया, कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपका जो सिम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या IMEI नंबर 0 हो गया, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे फ्लैश सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका फिंगरप्रिंट भी डिटेक्ट कर लिया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, सक्सेसफुली आप बूट अप कर पाएंगे 8.1 नवंबर सिक्योरिटी पैच पे। तो मैं पूरा जो सेटअप कर लेता हूँ, तो इसी बात पर दोस्तों मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जितना सारा IMEI यूजर है उनको मेरा जो वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह का टिप्स ट्रिक्स पता चले। और सिस्टम में जाके मैं आप लोग दिखा देता हूँ, देखिए 100% 8.1.0 नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। तो कितना बहुत ही आसान तरीके से मैंने रिवर्ट बैक कर दिया हूँ कोई भी विदाउट इश्यू से। तो ये कुछ मेथड था दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके बताना। और यहाँ पे देखिए मेरा बूट लोडर भी अनलॉक है, मतलब मैं ऑफिशियल जो अपडेट है उसको लेने के लिए तैयार हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरा नेटवर्क मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते एयरटेल जो 3G है, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देना चाहता हूँ। देखिए आपको पता चल जाए कि ऐसा है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए इसी बात पे। और मैं नेटवर्क जो वाईफाई ब्लूटूथ सभी सिग्नल काम करता है, एयरटेल 3G का जो नेटवर्क वो भी आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और मैं डायल पैड में जाके जो मेरा IMEI नंबर है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए सब कुछ शो कर रहा है, कोई भी ऐसा इशू आपको IMEI नंबर चला गया ऐसा नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।